नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 जीतकर बीजेपी सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन बीजेपी के लिए फिलहाल क्योंकि आरक्षित सीटों पर बीजेपी की स्थिति 2013 के चुनाव के बाद बेहद कमजोर होती चली गई, लिहाजा बीजेपी ने आरक्षित सीटों पर जोर देना शुरू कर दिया है। तो क्या 23 में चल पाएगा 13 जैसा जादू, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। चुनावी समर में वोट पर नजर, पिछड़ा वर्ग को लेकर हर दल बाखबर। क्या कांग्रेस का दांव बीजेपी पर पड़ेगा भारी? कांग्रेस के चक्रव्यूह को लेकर बीजेपी की क्या है तैयारी? सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए सियासतदान क्या क्या नहीं करते, खासकर वोट बैंक को लेकर उनकी नज़र हमेशा उस वर्ग पर गड़ी रहती है जो चुनावी बैतरणी पार करा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में अपनी महती भूमिका निभा सकता है, लिहाजा सियासी दल उस वर्ग को साधने में जुटे हैं, उसे अपने पाले में लाने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता का समीकरण बैठाने की कहानी बयां करती इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर दल सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए मंथन करता दिख रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों राजधानी रायपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बैठक की थी। दरअसल 2018 में एससी वर्ग का साथ नहीं मिलने की वजह से बीजेपी ने सत्ता गंवा दी थी, लिहाजा इस बार वो तगड़ी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये राह आसान भी नहीं है। दरअसल परंपरागत रूप से इस वर्ग को कांग्रेस और बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन 2013 में बीजेपी ने कांग्रेस और बीएसपी के इस वोट बैंक में सेंध लगा दी थी और दोनों ही पार्टियों को करारी शिकस्त मिली थी। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो 2013 में एससी वर्ग की 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस और बसपा का साम्राज्य एक तरीके से इस वर्ग से खत्म सा हो गया था, लेकिन 2018 के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने वापसी की और एससी वर्ग ने कांग्रेस पर बड़ा भरोसा जताया। शायद यही वजह है कि इस बार बीजेपी की टेंशन इस चुनाव को लेकर बढ़ गई है और छत्तीसगढ़ में एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई। यहां सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी एससी वर्ग के वोट को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? बीजेपी की इसी चिंता को समझने के लिए आपको साल दर साल चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस को मिलने वाली सीटों का गणित समझना होगा। 2003 के चुनाव में एससी वर्ग की 10 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटों पर बीएसपी ने कब्जा जमाया था। वहीं अगर 2008 की बात करें तो इस चुनाव में एससी वर्ग को 10 सीटों में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 4 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। 2013 चुनाव में जहां बीजेपी का बवंडर चला था, वहीं 2018 के चुनाव में उसकी हवा निकल गई थी और नतीजे बिल्कुल उलट हो गए थे। 2018 के चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों पर बाजी मारी थी। बीएसपी केवल 1 सीट पर अपना खाता खोल पाई थी। आंकड़ों का गणित देखकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों बीजेपी इस बार पिछड़ों को साधने में जुटी है। जो कांग्रेस की जो जहां जहां सरकार है या अन्य लोगों की जहां सरकार है और वहां अत्याचार बढ़ा है, डेवलपमेंट जो है ख़त्म हो गया है, बंद हो गया है और उसके कारण से जो उन राज्यों में अराजकता फैलते जा रहा है, इन विषयों को लेकर जो है हम एक आगामी संघर्ष आंदोलन करते हुए जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी से इतर कांग्रेस को इस बार भी पिछड़ा वर्ग का वोट अपने पाले में आने की पूरी उम्मीद है। शायद इसीलिए उसकी पार्टी के नेता अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे भी हथकंडे अपना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम 2018 में जो सीटें जीते हैं वो सीटें बरकरार रहेगी, या ST हो या SC हो, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के इस दावे के पीछे ठोस वजह भी है। दरअसल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत भूपेश सरकार ने ST के लिए 32, OBC के लिए 27, SC के लिए 13 और EWS के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन राजभवन में ये विधेयक अभी भी लंबित है। वहीं कांग्रेस से उलट 2012 में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, तब रमन सिंह के कार्यकाल में आरक्षण को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई थी,
नई अधिसूचना के तहत एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 14 और एससी वर्ग के लिए 12% आरक्षण लागू किया गया था। बीजेपी और कांग्रेस की दावों से साफ है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने समय पिछड़े वर्ग को साधने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन 2018 के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस का दाव बीजेपी पर 20 पड़ता दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए बीजेपी पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए खास रणनीति बनाने में जुटी है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी का दांव चुनावी समर में सटीक बैठता है और कौन पिछड़े वर्ग के वोट पर कब्जा जमाता है। वैभव शिव पांडे, न्यूज 24, एमपी छत्तीसगढ़।